उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा का गजा से अपने शहरियों के इनखिला के लिए ऑपरेशन जारी। 260 से जायद कैनेडियन मुस्तकिल रिहायशी और खानदान गजा से निकलने के लिए क्लियर हो गए। क्यूबा के रहनुमाओं की यहूदी स्कूलों में फायरिंग के बाद पुरअमान रहने की अपील। सिख रहनुमा की जानिब से एयर कैनेडा को दी जाने वाली मुबैना धमकियों का मामला एयर कैनेडा और RCMP की जानिब से मामले की तहकीकात जारी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का कहना है कि ऑनलाइन गर्दिश करने वाले हालिया खतरात की तहकीकात कर रहे हैं। कैनेडियन वजीर खजाना की जानिब से 21 नवंबर को मिनी बजट पेश किए जाने का इम्कान। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने वादा किया है कि मौसम खजा का मौशी बयान हाउसिंग और सस्ती पर तवज्जो मरकूज करेगा। हुकूमत को सुस्त मईशत और सरकारी अखराजात पर दबाव का सामना। दुबई पुलिस की बड़ी कामयाबी, गैर मुल्की गिरोह गिरफ्तार। हैकर्स ने $36 मिलियन 2 मरहलों में मुल्क से बाहर भेजे थे। दुबई पुलिस का कहना है कि बैनुल अक्वामी हैकर्स का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. तकरीबन 266 कैनेडियन शहरियों, मुस्तकिल रिहायशियों और उनके खानदानों के अफराद के नाम गजा की पट्टी से बाहर निकलने की इजाज़त हासिल करने वाले गैर मुल्की पासपोर्ट रखने वालों की फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा का गजा से अपने शहरियों के इनखिला के लिए ऑपरेशन जारी है। तकरीबन 266 कैनेडियन शहरियों, मुस्तकिल रिहायशियों और उनके खानदान के अफराद के नाम गजा की पट्टी से बाहर निकलने की इजाज़त हासिल करने वाले गैर मुल्की पासपोर्ट रखने वालों की फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। मिस्र में रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के हुकाम से तवक्को की जा रही थी कि वो मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे के करीब इसराइल और हमास के ताज़ा तरीन तनाज़े से फरार होने वाले लोगों की ताज़ा तरीन खेप पर कार्रवाई शुरू कर देंगे। कनाडा से मुंसलिक मजीद 32 अफराद जुमेरात को गजा की पट्टी से निकलने में कामयाब हो गए। इब्तदाई 75 शहरियों, मुस्तकिल रिहायशियों और ख़ानदान के अफराद ने मंगल को सफ़र किया। बुध के रोज़ सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर कोई भी कैनेडियन सरकारी ज़राए से गुजरने के काबिल नहीं था। दूसरी जानब इसराइल हमास जंग के आगाज़ के बाद से मॉन्ट्रियल में साम दुश्मन तशद्दुद की लहर के बाद, जिसमें 2 यहूदी स्कूलों पर गोलियों की गोलियां भी शामिल हैं, सियासी रहनुमाओं ने जज्बात को पुरसकून करने की कोशिश की और पुलिस ने कहा कि वो गश्त में इजाफा करेंगे। मॉन्ट्रियल में 2 स्कूलों के अमले के अरकान ने जुमेरात के सुबह इमारतों के बैरूनी हिस्से पर गोलियों के सुराख दरियाफ्त किए। पुलिस ने कहा, उन्होंने मजीद कहा, फायरिंग के वक्त कोई भी अंदर नहीं था। कनाडा के वजीर ट्रांसपोर्ट पैब्लो रोड्रिग्स और RCMP का कहना है कि एयर इंडिया को मिलने वाली मुबैना धमकियों की तहकीकात कर रहे हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर ट्रांसपोर्ट पैब्लो रोड्रिग्स और RCMP का कहना है कि एयर इंडिया को मिलने वाली धमकियों की तहकीकात कर रहे हैं। जब 19 नवंबर को एक ऑनलाइन वीडियो के बाद लोगों को खबरदार किया गया था कि वो एयर इंडिया में सफ़र ना करें, रोड्रिग्स ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हुकूमत हवाबाजी के लिए किसी भी खतरे को इंतहाई संजीदगी से लेती है। उनका कहना है कि कनाडा और उसके सिक्योरिटी पार्टनर्स ऑनलाइन गर्दिश करने वाले हालिया खतरात की तहकीकात कर रहे हैं और उनके प्रेस सेक्रेटरी ने तस्दीक की कि रोड्रिग्स एयर इंडिया के बारे में
तबसरों का हवाला दे रहे थे। RCMP की तर्जुमान क्रिस्टिन कैली का कहना है कि पुलिस एयर इंडिया की परवाजों के खिलाफ खतरे की तहकीकात में मुल्की और बैनुल अक्वामी शराकत दारों और सनत के स्टेक होल्डर्स के साथ तआवुन कर रही है। एयर इंडिया के बारे में असल तबसरे गौरप्रंत सिंह पन्नू ने किए थे, जो अमरीका में मुकीम सिखों की आज़ादी पर गैर सरकारी रेफरेंडम के मुंतजिम थे, जिनमें सुरे BC में हालिया वोट भी शामिल थे। पन्नू पंजाबी और अंग्रेजी के आमेजे में पेश की गई एक वीडियो में कहते हैं कि वो सिखों से कह रहे हैं कि वो 19 नवंबर को एयर इंडिया में परवाज ना करें और उस दिन एयरलाइन के खिलाफ आलमी नाकाबंदी होगी। ताहम पन्नू ने एक बयान में कहा है कि वो एयर इंडिया और दीगर कारोबारी इदारों के बायकॉट का मुतालबा कर रहे हैं, जो भारतीय हुकूमत की हिमायत करते हैं। पन्नू ने अपने बयान में कहा, कोई खतरा नहीं है, RCMP को दहशतगर्दी के खतरे की तहकीकात का पूरा हक है, और अगर वो समझते हैं कि एयर इंडिया के बायकॉट की कॉल को सिविल नाफरमानी के तौर पर एक दहशतगर्दी है, तो ऐसा ही हो, उन्हें तहकीकात करने दें। 19 नवंबर को अहमदाबाद इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आखिरी दिन है। एक इवेंट को पन्नू ने वीडियो में वर्ल्ड टेरर कप कहा है। कनाडा की वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड से तवक्को है कि वो 21 नवंबर को वफाकी हुकूमत के जवाल के मौशी बयान को पेश करेंगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड से तवक्को है कि वो 21 नवंबर को वफाकी हुकूमत के जवाल के मौशी बयान को पेश करेंगी और एक मिनी बजट में जो वफाकी मालियात पर एक अपडेट के तौर पर काम करेगा और उसमें नए इकदाम शामिल होंगे जो हुकूमत की तरजीहात की अक्कासी करते हैं। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने वादा किया कि वो मौसम खजा का मौशी बयान, हाउसिंग और सस्ती पर तवज्जो मरकूज करेगा। वफाकी सियासत पर हावी होने वाले दो मसाइल जो कैनेडियनों के लिए सबसे ऊपर हैं, लिबरल्स ने पिछले दो महीनों में रिहाइश से मुतालिक कुछ इकदामात का पहले ही ऐलान किया है, लेकिन सबकी नज़रें मकानात की कमी को कम करने में मदद करने के लिए किसी भी इजाफी इकदामात पर मरकूज होंगी। वफाकी हुकूमत को सुस्त मईशत और ज़रूरत से ज़्यादा सरकारी अखराजात की जांच पड़ताल के माली दबाव का भी सामना है। गैर यकीनी मौशी औकात के पेश नज़र क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने माली जिम्मेदारी को तरजीह देने का वादा किया है। कनाडा की मईशत मुमकिन कसाद बाजारी की तरफ देख रही है, क्योंकि बुलंद शरह सूद का वजन इकतसादी तरक्की पर है। मजमू घरेलू आदाद शुमार से पता चलता है कि दूसरी सहमाही में मईशत सुकड़ गई और शुमारियात कनाडा के इब्तदाई तखमीने से पता चलता है के तीसरी सहमाही में इसका दोबारा मुहायदा हुआ। पार्लिमानी बजट अफसर ने गुज़िश्ता माह अंदाज़ा लगाया था कि वफाकी खसारा 2023 से 2024 में बढ़कर 46.5 बिलियन डॉलर हो जाएगा, जो कि 2022 से 2023 के लिए 35.3 बिलियन डॉलर था। माहरीन का कहना है कि मौशी नुक्ता नज़र काफ़ी हद तक बदल गया है, जिसने वफाकी हुकूमत को अपने माली मामलात के हवाले से एक मुश्किल जगह पर डाल दिया है। ट्रेजरी बोर्ड की सदर अनीता आनंद ने पार्लियामेंट में वफाकी हुकूमत का ताज़ा तरीन अखराजात का मंसूबा पेश किया, जिसमें मौजूदा माली साल के लिए 20.7 बिलियन डॉलर के इजाफी अखराजात शामिल हैं, जिनकी पार्लियामेंट के अराकीन से मंजूरी दरकार होगी। मौसम बहार के बजट में अवामी खिदमत में बचत तलाश करने के वादे पर अमल करते हुए ट्रेजरी बोर्ड का कहना है कि इस माली साल में 68 महकमों में सफरी और पेशा वाराना खिदमात की फंडिंग में 500 मिलियन डॉलर को दोबारा तवज्जो मरकूज और हटा दिया गया है। दुबई पुलिस ने अहम कामयाबी हासिल करते हुए मुतादित मुल्कों में बड़ी कंपनियों का सिस्टम हैक करने वाले बैनुल अक्वामी गिरोह को हिरासत में ले लिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। दुबई पुलिस ने अहम कामयाबी हासिल करते हुए मुतादित मुल्कों में बड़ी कंपनियों का सिस्टम हैक करने वाले बैनुल अक्वामी गिरोह को हिरासत में ले लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई पुलिस का इस हवाले से कहना है कि हैकर्स ने 36 मिलियन डॉलर दो मरहलों में मुल्क से बाहर भेजे थे। पुलिस के मातहत ई क्राइम्स की स्पेशल टीम हैकर्स की सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए थी। बैनुल अक्वामी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल अक्वामी गिरोह मारूफ कंपनियों के CEOs और डायरेक्टर्स के ईमेल्स हैक करके वारदातें करने में मुलविस था। दुबई पुलिस का कहना है कि बैनुल अक्वामी हैकर्स का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। उनका गिरोह 43 अफराद पर मुश्तमिल था, जो मुनज़्ज़म कार्रवाइयां कर रहा था। दुबई पुलिस के मुताबिक हैकर्स को हिरासत में लेने की कार्रवाई मोनोपोली ऑपरेशन के नाम से अंजाम दी गई। गिरोह का सरगना जो कि बैरून मुल्क में मुकीम है की शनाख्त कर ली गई है। गिरोह की गिरफ्तारी में इंटरपोल से तआवुन हासिल किया गया है। दीगर 20 मुलजिमान का पता लगा लिया गया है। इसका बाकायदा तौर पर जब मालूम हुआ जब एक एशियाई मुल्क की कंपनी के वकील ने ई क्राइम पोर्टल के जरिए दुबई पुलिस से शिकायत की कि एक बैनुल अक्वामी गिरोह कंपनी के CEO का ईमेल हैक करने में कामयाब हो गया है।
टैक टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।